हेलो फ्रेंड्स, UDCRM में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ओट्स कप की, जो कि सोम और सुस के बीच खेला जाएगा, यानी कि समरसेट और सुसेक्स शार्क्स के बीच में खेला जाएगा मैच। ये मैच फ्रेंड्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी इनफॉर्म प्लेयर्स के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीम से काफ़ी इनफॉर्म प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, तो उनमें से हमें टीम का कॉम्बिनेशन सेट करना होगा। फ्रेंड्स, पहली बात का आपको ये बता दूं कि आप सभी के सभी इनफॉर्म प्लेयर्स नहीं ले सकते, बिकॉज सभी काफ़ी अच्छे अच्छे क्रेडिट में मिल रहे हैं, तो हम सभी अच्छे प्लेयर्स लेके अपनी टीम का बैलेंस नहीं बना सकते। लेकिन मैंने दो टीमें ऐसी तैयार की है जिसमें आप वो सभी प्लेयर्स कवर कर सकते हैं जो आप ग्रैंड लीग में चाहते हैं कि आप लेके जाए। और मैंने प्लेइंग 11 भी तैयार की है, जो कि मुझे सजेशंस मिल रही थी कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो चाहते हैं कि उन्हें तो एक तो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैंने प्लेइंग 11 को बैटिंग ऑर्डर में सेट कर दिया है। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि मैं प्रीव्यू अच्छे से नहीं दिखाता, मैं थोड़ी सी जल्दी में प्रीव्यू बिना दिखाई कभी कभी वीडियो ऑफ कर देता, तो आप मैं आज आपको वीडियो या प्रीव्यू में अच्छे से दिखाऊंगा दोनों टीमों का, आप प्रीव्यू देख सकते हैं। और कभी कभी मुझे आ रहा है कि मैं वीडियो में थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ, जिससे जो मैं अच्छी नॉलेज आपको देता हूँ वो मैं नहीं दे पा रहा, तो आज मैं ट्राई करूँगा कि आपको बेटरली तरीके से वीडियो का ग्राफिक समझा सकूँ, बिकॉज सब कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है और वो मेरी वीडियो देख के अच्छे अच्छे प्राइजेस भी जीत रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कहते हैं कि स्पीड की वजह से वो प्लेयर पिक करने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको आज अच्छे से वीडियो समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो मैंने प्राइम आपको नोट्स तैयार किए हैं, वो मैं आपको प्राइम नोट्स दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा, ये समरसेट और सुसेक्स शार्क्स के बीच में मैच खेला जाएगा। अगर मैच का वेन्यू देखा जाए, ये कूपर ग्राउंड एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड है टॉन्टन का। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हमने प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखी जाए। सबसे जो कहते हैं ना डिफ़िकल्ट टास्क है, वो प्लेइंग 11 प्रोडिक्ट करना ही है, जो कि मेरी हमेशा सही साबित होती है। अगर मैंने आपको 22 प्लेयर बताए हैं, तो 22 में से 22 ही खेलेंगे, 100 में से 1% चांस होता है कि मेरे एक या दो प्लेयर्स बाहर हो, अदरवाइज मेरी प्रोडिक्टिंग काफ़ी सही होती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर सोम का देखा जाए, तो मैंने बैटिंग ऑर्डर में इसको तब्दील कर दिया है। तो देखा जाए तो जोहन माइबर्ग ओपनिंग करेंगे स्टीवन स्मिथ 23 के साथ, पीटर ट्रिगो वन डाउन पे आएंगे, और पीटर ट्रिगो का बॉलिंग भी पिछले मैच में अच्छा रहा था, इन्होंने एक तो अर्धशतक 56 रन बनाए थे और 2 विकेट्स भी लिए, तो आप देख सकते हैं कप्तान के लिए हमें सीधी चॉइस दिख रही है। जेम्स हिल्ड्रेथ पिछले मैच में मुझे लगता है इन्होंने 142 के आसपास स्कोर करे थे, तो आप देख सकते हैं कि कितना एक इनफॉर्म प्लेयर हमें 2 डाउन पे मिल रहा है। उसके बाद टॉम बेंटन थे, टॉम अबेल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वेंडर मरव ने भी 14-15 रन तो ज़रूर बनाए थे, लेकिन उन्होंने 2 विकेट्स लिए थे, लेकिन ये 10 में मिल रहा है तो हम इन्हें इग्नोर करेंगे। ओवरटन को हम लेंगे, लेकिन ओवरटन का भी आप बता दूँ, आप ड्रीम 11 को देख के कन्फ्यूज मत होना कि इनके इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज ये नीचे आकर फिनिशिंग अच्छी कर रहे हैं और विकेट्स तो ये 1-2 ही ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं पहले मैच में जरूर इनका प्रदर्शन अच्छा था, आप इन्हें ले सकते हैं, मैंने भी इन्हें लिया। जोश डेवे प्लेयर अच्छे हैं, रन्स भी कम दे रहे हैं, लेकिन विकेट एक ही की लेके जा रहे हैं, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, आप चाहे तो इन्हें ले सकते हैं। टीम ग्रोइनफील्ड को आप ले सकते हैं बिकॉज अच्छे बॉलर है, 2 विकेट्स ही लेके गए हैं, मैंने भी इन्हें लिया। मैक्स बॉलर को आप ले सकते हैं। अब देखते हैं सुसेक्स शार्क्स की प्लेइंग 11। लुक वेल्स पिछले मैच की तरह ही, ये भी हमें 8 क्रेडिट में ऑलराउंडर हमें मिल रहा है, जो कि ओपनिंग करता है और इसकी फॉर्म भी अच्छी चल रही है। पहले मैच में ये 66 पॉइंट्स देखे गए थे फ्रेंड्स। लुक राइट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी ने जानते हैं। हैरी फिंच ने पिछले मैच में शतक लगाया है, तो आप इन्हें ले सकते हैं, मैंने भी लिया है। बेन ब्राउन डक पे आउट हुए थे, लेकिन ये प्लेयर अच्छे हैं, कप्तान है, लेकिन मैंने फिर भी स्टीवन डेविस को लिया बिकॉज ये ज़्यादा अच्छे हैं कंपैरिजन में इनके। लॉरी इवंस को खेलेंगे, लेकिन मैंने नहीं लिया। माइकल बोर्गेस को मैंने नहीं लिया। डेलरे रॉबिन्स खेलेंगे। वीजे ने पिछले मैच में अच्छा स्कोर किया था और 2 विकेट्स भी लिए थे, फिनिशिंग दी थी इन्होंने, तो आप इन्हें ले सकते हैं। ओली रॉबिन्सन ने 2-3 विकेट्स लिए थे पिछले मैच में, ये पक्के प्लेयर हैं ऑलराउंडर के। उसमें डैनी ब्रिग्स और ईशांत शर्मा की कंसिस्टेंसी, 1-2 विकेट्स वो हर मैच में ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो अगर मैं आपको सेफ प्लेयर्स बताऊँ, तो सेफ प्लेयर्स कौन कौन से होंगे जिससे आपको अपनी टीम लेनी है, वैसे तो सारी सेफ है। आपको स्टीवन डेविस लेने हैं, माइबर्ग लेने हैं, ट्रिगो लेने हैं और हिल्ड्रेथ लेने हैं, ये 4 प्लेयर्स लेने हैं। और बॉलिंग में आपको टिम लेने हैं और ओवरटन लेने हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 6 प्लेयर हो गए हैं। अब देखा जाए तो अगर आप एक आधे को निकालना चाहे तो आप किसे निकालेंगे, माइबर्ग को आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे आपको रखना ही है। दूसरी टीम में देखा जाए कौन कौन से प्लेयर्स को आप लेना है, आप चाहे तो एक अदर ऑप्शन वेंडर मरव को आप ले सकते हैं। सुसेक्स की देखी जाए तो वेल्स को लेना है, अच्छा क्रेडिट है, राइट को लेना है, पिंच को लेना है, और किसको लेना है आपको, रॉबिन्सन को लेना है, और आप किसे ले सकते हैं, आप ईशांत शर्मा को, ब्रिग्स को,
और किसे ले सकते हैं, डेविड वीजे को, लेकिन जो मस्ट प्लेयर है जिन्हें आपको लेना है वो है वेल्स, राइट, फिंच, रॉबिन्सन और ब्रिक्स। ये पांच प्लेयर्स को आपको लेना, इससे ही आपकी ड्रीम इलेवन की टीम बनेगी फ्रेंड्स। कप्तान की बात की जाए तो फर्स्ट चॉइस है हमारे पास पीटर ट्रिगो, उसके बाद ऑप्शन आता है हिल्डरेथ का, उसके बाद ऑप्शन आता है डैविस का, उसके बाद माईबर्ग का, और फिर ऑप्शन आता है नीचे जाके फिंच का। इससे बाहर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। पेंटर मरो को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हुई हमारी प्रोबेबल 11 की। अब मैंने जो दोनों टीम में काफ़ी स्टडी करके ड्रीम 11 की तैयार की है फ्रेंड्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके साथ मैं जाऊँगा प्लेइंग 11 में, और ड्रीम 11 की टीम ड्रीम 11 के मैच में जिसके साथ मैं प्लेइंग करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ड्रीम 11 की टीम्स दिखाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकें, और उसके साथ ये बेल के निशान को भी टिक कर दीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोस जैसे ही मैं मैचेस की अपलोड करूँ आपको वो नोटिफिकेशन में यहाँ पे शो हो जाए, और आप सबसे पहले अपनी टीम सेट कर सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं ड्रीम इलेवन की टीम्स में जो मैंने आपके लिए तैयार की हैं। सोम वर्सेस सुस ऐसा लिखा आ रहा है ड्रीम इलेवन में, तो आप देख सकते हैं मैंने ट्रिगो और डैविस को कप्तान बनाया है, और डैविस को ही वाइस कप्तान और फिंच को साथ में वाइस कप्तान, दो टीमों में। सबसे पहले देखते हैं स्टीव डैविस, नॉट स्टीव स्मिथ फ्रेंड्स, स्टीव डैविस है। बेन ब्राउन को आप चाहे तो आप ले सकते हैं क्रेडिट के इशू की वजह से, अदरवाइज स्टीव डैविस एक अच्छा और इकलौता विकल्प है। बैटिंग में देखा जाए तो हिल्डरेथ, लुक राइट, जोहन माईबर्ग, हैरी फिंच, ये चार ही आपके पास ऑप्शन बचते हैं फ्रेंड्स। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आप अबेल को एक को ले सकते हैं, बाकी किसी की तरफ देखने की आपको ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ऑलराउंडर में बात की जाए तो ट्रिगो और रॉबिन्सन एंड वेल्स, ये आपके पास अच्छी ऑप्शंस है। अगर आप फिर भी चाहते हैं आपको ऑप्शंस चाहिए तो इसमें ऑप्शंस है फ्रेंड्स। वेंडर मरव, विजे, गैरगरी को आप चाहे तो आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन जो सेफ़ ऑप्शन है वेंडर मरव एंड विजे सेफ, ये भी है, लेकिन ड्रीम इलेवन में पॉइंट सेफ होते हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको देख के जाएंगे, वेंडर मरव एंड विजे, अदरवाइज आप मेरी टीम के साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो बॉलिंग में टिम ग्रोइनवॉल्ट, ओवरटन, और यहाँ पर है डैनी ब्रिक्स। आपको ऑप्शंस चाहिए, ऑप्शंस हैं वेलर को चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली एडवाइस करूँगा जोश डेवे को, और चाहिए आपको ईशांत शर्मा, ये आपके पास दो ऑप्शन है, बाकी किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। टीम का प्रीव्यू देखते हैं एक बार फ्रेंड्स। टीम के प्रीव्यू में आप देख सकते हैं मेरे पास समर सेट के चार बैट्समैन हैं, डैविस, माईबर्ग, हिल्डरेथ और पीटर ट्रिगो, और दूसरी टीम कौन सी है हमारी, सुसेक्स शार्क्स, जिसके मेरे पास तीन बैट्समैन हैं, लुक राइट, हैरी फिंच, लुक वेल्स, तीनों ओपनर हैं, एक वन डाउन पे आता है, और रॉबिन्सन ऑलराउंडर ज़रूर है लेकिन ये लोअर ऑर्डर में आते हैं तो हम इसे बॉलर में गिनेंगे। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो मेरे पास तीन बॉलर हैं समर सेट के, ट्रिगो, गोरेनवॉल्ड और ओवरटन, फ्रंट लाइन बॉलर हैं। वहीं अगर दूसरी टीम की बात की जाए तो दो फ्रंट लाइन बॉलर हैं, डैनी ब्रिग्स और रॉबिन्सन, जबकि लुक वेल्स एक ओपनर के तौर पर हैं, बॉलिंग इनकी अभी देखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं ये टीम हमारी सेफ है, कप्तान ऑलवेज पीटर ट्रिगो, स्टीव डैविस, ऑप्शंस चाहिए तो आपके पास डैविस है, हिल्डरेट्स है, माईबर्ग है, लुक राइट है और फिंच है, सभी आपके पास ऑप्शन है, और ये दोनों हैं, आपको इनमें से ही कप्तान बनाना है, इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। तो बैट्समैन, कीपर और ऊपरले दो ऑलराउंडर, इनमें से ही आपको अपना कप्तान चूज़ करना है। ये तो हमारी पहली टीम हुई, अब दूसरी टीम का आपको मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ। इसमें कोई चेंज नहीं है फ्रेंड्स, टीम बिल्कुल ही सेम है, सिर्फ कप्तान वाइस कप्तान चेंज है। आप देख सकते हैं डैविस और हैरी फिंच ऑप्शंस में आपको दे सका हूँ, आप वेल, राइट, हिल्डरेथ, माईबर्ग, ट्रिगो, ओवरटन, इनके साथ आप जा सकते हैं ग्रैंड लीग में। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताना, लेकिन उससे एक और बात फ्रेंड्स,
मेरी जो वीडियो है 25,000 के अराउंड पीपल फॉलो करते हैं जो मेरी सेम टीम के साथ उतरते भी हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कप्तान और वाइस कप्तान मेरी वीडियो को देख के अपने ज़रूर सेट कीजिएगा, लेकिन थोड़े से यूनिक रखिएगा, तभी आप ग्रैंड लीग में फर्स्ट आएंगे, अदरवाइज़ आपकी टीम काफ़ी प्लेयर्स के साथ सेम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मुझे एंड में ज़रूर बताइए आप कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, चाहे आपको अच्छी लगी, अगर कुछ कमियां लगती है तो मुझे सजेशंस भी दीजिए कमेंट में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने की ट्राई करूँगा। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।